हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पन धाकर स्वागत करता हूं आपका धाकर एकेडमी में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इतना भी हमारी इंग्लिश खराब नहीं कि आप हमें ए एन द पढ़ा रहे हो। मेरे भाइयों, बात इंग्लिश खराब की या इंग्लिश अच्छे की नहीं है, बात ये है कि किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है, जो कुछ चीज़ यहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं वो हमें ज़रूरत है, भले ही वो चीज़ें हमें पता हो। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो आर्टिकल आपको पता है लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, बेसिक है लेकिन हमें ये चीज़ समझना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। ए एन और द, ए एन और द, ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, द का मतलब एक नहीं होता, ये आपको ही पता है। तो पहले हम ए और एन के यूज पे आते हैं। यूज ऑफ ए क्या होता है? जनरली हम इसको बोलते हैं ए या आ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ए वर्ड होगा इसका यूज हम कब करते हैं? जब किसी भी वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट साउंड आए। कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश में आप अगर बोलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी से समझो आप, अगर कोई भी आप वर्ड बोलते हो जब उसको प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंस करते में उसका जो साउंड निकलता है, अगर साउंड जो है वो आपका व्यंजन निकलता है, कॉन्सोनेंट निकलता है, व्यंजन कहते हैं का कबूतर से ग्या ज्ञानी तक जो होता है, वहां पर हम ए का यूज करेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, 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 टा, टा बोले तो टीचर टा, टा क्या होता है? आपका व्यंजन होता है। तो आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ या मैं टीचर हूँ। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको ये बात पता होगी कि आ मतलब एक होता है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी कि जब भी आप इंग्लिश में कोई चीज बोल रहे हो और जब आपका एक सेंस हो कि एक की बात हो रही हो तो ऑटोमेटिकली वहां पर ए लग जाता है। आई एम आ टीचर, ए मतलब आ, आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर, मैं सिंगर हूँ, तो मैं एक ही सिंगर हो सकता हूँ। हिंदी में भले मैं कहूँ कि मैं एक सिंगर हूँ, ये नहीं कह सकते, लेकिन इंग्लिश में आपको कहना है कि आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आप डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, तो आ वर्ड जरूर आएगा। तो गाइज ये तो था आपका यूज ऑफ ए। अब यूज ऑफ एन, एन भी बिल्कुल सेम टू सेम मतलब है, जहां पर हम एक की बात कर रहे होते हैं वहां पे एन के यूज करते हैं, लेकिन प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो पहला लेटर का साउंड क्या है, प्रोनाउंसिएशन करते टाइम उसका स्वर है कि व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। अगर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आप ए लगाएंगे, आ लगाएंगे, और अगर आपका स्वर है, वॉवेल है, तो आप एन लगाएंगे। जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, यू, यू तो वैसे भी आपका इंग्लिश में भी वॉवेल ही होता है और वैसे भी अम्ब्रेला ही आ रहा है, तो आई आ रहा है, दिस इज एन अम्ब्रेला। लेकिन हम बोलते हैं कि ही इज एन एम एल ए, ही इज एन एम, वो एक एम एल ए है, तो एम, एम मतलब वैसे तो ये कॉन्सोनेंट है लेकिन आप जब लिखेंगे तो एम लिखेंगे, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, और ए आपका स्वर होता है, तो ही इज एन एम एल ए। जैसे आई एम एन ऑनेस्ट, आई एम एन ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एच, स्पेलिंग भले ही एच है उसमें, ऑनेस्ट की स्पेलिंग भले ही शुरुआत में एच है, बट साउंड इसका क्या, ऑनेस्ट, ओ है, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए आपका, ये आपका ये वोवेल है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है, इसमें एन है, तो जैसे आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। इसके बाद आता है यूज ऑफ द। अब द का यूज आप ए की जगह भी कर सकते हैं, एन की जगह भी कर सकते हैं, वहां की यूज ऑफ द तो एक अलग बात है ही है। देखो आपको बता दूं, द और दी दो साउंड होते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, अगर जब भी जिस भी वर्ड के सामने हम द लगा रहे हैं और अगर उसका साउंड जो है, अगर स्वर है तो दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो द बोलेंगे। जैसे कि दी अर्थ, द मून, अर्थ, अर्थ आ रहा है, स्वर है, तो इसलिए आपका दी अर्थ होता है, और द मून, मून मतलब माँ हो रहा है, माँ, मून, तो द मून होगा, दी अर्थ द मून, सिंपल एग्जांपल। ये तो मैंने साउंड की बात करी थी, अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे यूज ऑफ द की। तो देखो द का यूज हम करते हैं, कोई भी फेमस जगह हो, कोई यूनिक चीज हो, हम उसके सामने द लगा देते हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आप जब सेंटेंस बोल रहे होते हैं और जैसे आपने किसी भी सेंटेंस में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आपको वो चीज पहले से ही मालूम है, तो आप वहां पर द का यूज करते हैं। जैसे आप ये बात को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, जैसे प्लीज गिव मी द बुक, प्लीज गिव मी अ बुक, और प्लीज गिव मी द बुक, इनमें फर्क क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे किताब दीजिए, प्लीज गिव मी अ बुक का मतलब ये है कि कोई भी जो किताब है वो आप मुझे दे दीजिए, वो सामने वाले जिससे मांगी है उसको नहीं मालूम है कौन सी किताब की बात हो रही है। प्लीज गिव मी द बुक, द बुक मतलब वो ऑलरेडी वो बुक नॉन बुक है, वो सामने वाले को ही पता है और मुझे भी पता है, तो प्लीज गिव मी द बुक। जैसे कहते ना, अरे वो वाली किताब देना भाई साहब, वो वाली, प्लीज गिव मी द बुक, दैट बुक जब कहते हैं, जब सामने ही रखी, प्लीज गिव मी दैट बुक, दैट बुक बाहर रखी तो प्लीज गिव मी दैट बुक, बट मैं जैसे किसी से बोलूं प्लीज गिव मी द बुक मतलब वो वाली मुझे चाहिए, वो वाली किताब चाहिए। जैसे मैं बोलूं प्लीज गिव मी
द वॉटर, पानी के सामने वैसे भी द आता ही है, प्लीज गिव मी अ वॉटर तो होगा नहीं, प्लीज गिव मी द ही वॉटर होता है, तो लेकिन यहाँ पर प्लीज गिव मी द वॉटर बॉटल, वो वाली जैसे प्लीज गिव मी अ वॉटर बॉटल, तो वहां तो आ ही आएगा मैं वॉटर बॉटल बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोलूँ प्लीज गिव मी द वॉटर बॉटल मतलब सामने वाले को पता है मैं कौन सी बॉटल की बात कर रहा हूँ। ये इस तरीके से आपको द का यूज करना रहता है स्पीकिंग में, मैं आपको रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि रिटर्न में भी वही करना, लेकिन यहाँ पर स्पीकिंग में बहुत मैटर करता है ये द और दी का यूज। अब इसके बाद द का यूज ये रहता है जैसे जनरली लिखते भी है तो दिस इज द बुक और द बुक बोलते ही नहीं बोलते, दिस इज अ बुक यह एक किताब है, और फिर इसके बाद हम क्या बोलते हैं द बुक, ए बुक नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं द बुक क्या बोलते हैं द बुक इज वेरी गुड, द बुक इज वेरी गुड ये एक किताब है और ये किताब बहुत अच्छी है, तो दिस इज अ बुक और द बुक इज वेरी गुड। तो ये था आपके आर्टिकल को अच्छे से और बढ़िया तरीके से स्पीकिंग में यूज करने का तरीका, तो होप यू गाइस जो आपको पसंद आया होगा ये जो बेसिक कोर्स है, आप प्लीज अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को अपने रिश्तेदारों को सबको रिकमेंडेड करें कि बाय करें और जरूर इंग्लिश सीखें जिसको भी बेसिक इंग्लिश नहीं आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।